हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, या वेरी गुड गुड इवनिंग मिस्टर ओम प्रकाश जी, बात कर रहे हैं हाँ जी, बात कर रहा हूँ। जोधपुर से। हाँ जी सर राहुल बात कर रहा हूँ snifkart.com से। सर जी, बोलिए सर। ये 8434 सर आपका नंबर सर। सर जी सर, बोलिए। से मैं शॉपिंग आप करते हो हाँ जी बताना चाहूंगा सर। आपने जिस टाइम शॉपिंग की है उस टाइम हमारी कंपनी कारकॉन्टेक्ट से टॉप 10 कस्टमर के भी सिलेक्शन करती है, इसलिए आपका भी नाम और नंबर ऐड हुआ है। ठीक है सर, जी आप हमारे कारकॉन्टेक्ट के टॉप 10 कस्टमर भी सिलेक्शन हुआ है आपका भी। अगर आप हमारे कारकॉन्टेक्ट के टॉप 10 फर्स्ट आएंगे तो आपको हमारे तरफ से 10 to 15,000 के प्राइस दिए जाएंगे सर। क्या बात कर रहे हो सर, यस सर। क्या बात कर रहे हो सर, सर क्या बात करें मतलब मतलब ये जोक है कि मतलब आप यूं ही सर आपने शॉपिंग की है बहुत शॉपिंग की है सर आज तक फ्लिपकार्ट पर? आपने तो सर बहुत कोई बहुत शॉपिंग। कोई प्राइज मिला आपको क्या क्या सर? नहीं सर, कुछ नहीं मिला अभी तक तो। कुछ कभी आपको वो मिला आपको क्या नाम है, कोई बेनिफिट हुआ आपको आज तक? नहीं हुआ सर। तो फिर सर बेनिफिट मिल रहा था, अभी तो आपको कॉल की जा रही है। 10 कस्टमर फ्री में थोड़ा था, यहाँ पर 10 कस्टमर और है सर। अच्छा सर, यहाँ पर आप अकेले नहीं सर, 10 कस्टमर है। 10ों का नाम यहाँ पे ऐड नंबर ऐड है, उनका नाम उनकी जीमेल आईडी सर सब कुछ ऐड है सर। आप अकेले नहीं यहाँ पर। ठीक अच्छा है, सर आपको जी। मैंने इस बारे कॉल किया सर। ठीक है, आपका नाम और ऐड आया। ठीक है सर, और सर कहाँ से बोल रहे हो वैसे आप? फ्लिपकार्ट सर मैं snifkart.com से राहुल बोल रहा हूँ। डॉट कॉम से है ना? फ्लिपकार्ट नहीं, snifkart, SNIFKART, snifkart। अच्छा सर अगर आप हमारे कार कॉन्टेस्ट के टॉप फर्स्ट आएंगे तो देखिए आपको रखा। ठीक है सर, अच्छा सेकंड पाएंगे आपको टीवी से बाकी बाइक 10 CC की। जी अगर सर आप टॉप 3 पे आते तो मिलेगी आपको हमारे से मारुति सुजुकी की होंडा ब्रेजा कार। ठीक है सर, अच्छा सर अगर आप टॉप 7 यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 7 होते सर हारे कस्टमर जो हाँ एक तक होते सर हारे हुए कस्टमर उनके बीच में अगर आते हैं ना सर आप, तो हम आपको 10 to 15,000 तक के प्राइस देंगे। फोन, LED, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, AC, DSLR कैमरा। ठीक अच्छा सर, सर आप जो बोल रहे हो आपको क्या दोबारा बोलना पड़ेगा? सर अभी आपकी आवाज़ थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है और मैं थोड़ा शॉप पर हूँ सर अभी। शॉप पर है आप? हाँ, मेरी खुद की एक शॉप है सर, आपकी शॉप है खुद की आएगी सर, ये इलेक्ट्रिसिटी की शॉप है मेरी सर, तो वहाँ पर थोड़ा काम करता हूँ मैं अभी। तो आधे घंटे बाद मैं आपको कॉल करता हूँ बैक सर। इलेक्ट्रिक के सर? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की मेरी दो दुकान है सर। ओके सर, तो मैं मैं कुछ कम कॉल करूँ सर। एक आपकी ना फाइल यहाँ पे आया था सर, बाद में बतानी सर कि बाद में सर आपका बेनिफिट नहीं होगा, फायदा नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अभी करना पड़ेगा सर। अच्छा आपकी फाइल यहाँ पर आया था सर। ठीक है, जी 10 कस्टमर है आप अकेले ना, तो मुझे 10 कस्टमर को और कॉल कर दें सर। ठीक है जी, आप मैं तब तक कॉल करता हूँ, मैं आपको मतलब आधे घंटे में कॉल कर देता हूँ। थोड़ा क्या है कि दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी सर, थोड़ा यूँ। ठीक है सर, फिर आपके आपका बेनिफिट है सर, हमारा बेनिफिट नहीं है। करोगे तो आप अपने करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे सर। ठीक है, सर मतलब आधे घंटे में आपको कॉल कर रहा हूँ ना सर। आप रिटर्न करोगे कॉल मुझे? हाँ हाँ तो सर इसी कॉल पर कर लेना मुझे कॉल। ठीक है, मेरा नाम राहुल है, मेरे से बात होगी आपकी। ठीक है सर, ठीक है सर। snifkart.com से। यस सर, क्यों फोन कर रहे हो आप इनको बार बार? किसको सर? इस नंबर पे कॉल किया ना पहले आपने? हेलो, आपका नाम सर? मैं पुलिस थाना पोकरण से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पुलिस थाना पोकरण, जिला जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम अन है पवन सर। नहीं, आपको आपको कॉल नहीं किया सर, मेरा नाम राहुल बात कर रहा हूँ मैं। अरे मेरे को कॉल नहीं किया है आप राहुल जी, आपने कॉल आता ना होगा ओम प्रकाश जी को कॉल किया था आपने। ओम प्रकाश जी यहाँ पर पुलिस स्टेशन आए हैं कि ऐसे ऐसे नंबर का कॉल आया है मेरे पास।
शिकायत इनका नाम और नंबर नॉमिनेट हमारे कार कॉन्टेस्ट के टॉप 10 कस्टमर पिछले इनका इस बार हमने कॉल की इनको क्या है ये है क्या पर्पज क्या है किस लिए नाम सेलेक्ट हुआ है इनका सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके थ्रू इनका नाम और नंबर नॉमिनेट हुआ है शॉपिंग ये आपकी कंपनी से तो कभी की नहीं इन्होंने शॉपिंग नहीं की सर आगे इन्होंने शॉपिंग की वहाँ से हमारा इनका नाम और नंबर नॉमिनेट हुआ यहाँ पर तो अभी क्या करना है इनको इनको हमारी वेबसाइट पर कॉम्बो लेना है जिसके थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन होगा सर अच्छा नहीं लेना तो मना कर देंगे उसके उसके कितने रुपए लगेंगे सर ये इनको इनको वेबसाइट पे आके चेक कर लेंगे वेबसाइट पे चेक नहीं करना है ये आपकी शिकायत लेके आए हैं आप अनसेंड कॉल मत करो तो सर ये मना कर सकते हैं मना ठीक है ये आपकी आपकी शिकायत लेके आए हैं आपके नंबर पे अभी मुकदमा हो जाएगा आप फंस जाओगे आप इनको ऐसे वैसे कॉल मत किया करो आप ये तो रिपोर्ट लेके अरे ये तो थाने में रिपोर्ट लेके आए हैं ये तो थाने में रिपोर्ट लेके आए के मेरे पैसे निकाल लेंगे सर कॉल रिकॉर्डिंग होती है ठीक है सर कॉल रिकॉर्डिंग है यहाँ पर मैंने एक बार कॉल किया इनको ठीक है सर हाँ वो रिकॉर्डिंग सुनाई है इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई है इन्होंने क्या लिखा रिकॉर्डिंग में सर कौन सी कंपनी है स्लिपकार्ट आपके snifkart.com है अरे snifkart.com हमने सुनी नहीं आज तक कंपनी फ्लिपकार्ट सुनी है स्लिपकार्ट भी सुनी अनसन आप कॉल मत किया करो फालतू आज के बाद कॉल मत करना इस पर नहीं तो मुकदमा हो जाएगा सर एक मिनट आप जरा मैं हमारी सीवी डिपार्टमेंट में बात कर लीजिएगा ठीक है आप आइंदा कॉल मत करना इन नंबरों पे द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज स्टे ऑन द लाइन हेलो हेलो और मैं पुलिस थाना पोखरण से बोल रहा हूँ क्यों कॉल कर रहे हो आप इन नंबरों पे बार बार आपकी स्लिप कार्ड कंपनी क्यों कॉल कर रही है कौन सी कंपनी आपकी कंपनी कौन सी है snifkart.com कौन सी कंपनी है snifkart है सर कंपनी का नाम तो ठीक ले लो क्या है snifkart है FLIP है या SLIP SN है SN हाँ हाँ तो snifkart कंपनी है कॉल आया है ये आपकी शिकायत लेके आए हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन के मेरे को इस कंपनी से कॉल आया है का है मेरे नाम नंबर ID नॉमिनेट हुई है मेरे पहले भी एक बार के 60,000 रुपए निकल चुके हैं और अभी एक बार मेरे पास और कॉल आया है तो कॉल आने पे कौन सा FIR होती है सर ये बताओ ना अब तो FIR आप कॉल करते क्यों हो इनको क्यों नहीं करेंगे सर अब एक बात बताओ ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन की ऑनलाइन शॉपिंग आप आपकी कंपनी से इन्होंने की नहीं है हमारी कंपनी से ना करी हो कोई बात नहीं तो सर, आप क्यों कॉल कर रहे हो इनको तो क्यों कॉल कर रहे हो इनको क्यों नहीं करेंगे नहीं करना है कॉल क्यों नहीं करना है सर ये तो बताओ ना तो अपना नंबर DNT में डाले अगर इतने परेशान है तो आपको कॉल नहीं करना है इस पे कॉल करोगे तब अगली बार हो जाएगा मुकदमा सर मैं सिंपल से कह रहा हूँ कस्टमर को बोलो कि अपना नंबर DND में डाले अगर डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो क्यों डाले DND में आप कॉल ही क्यों कर रहे हो आप ऐसे कस्टमर को कॉल करो जो इंटरेस्टेड है भाई सिंपल से बताऊँ अगर आपको DND खुद नहीं पता तो सर मैं कह रहा हूँ आप ऐसे कस्टमर्स को कॉल करो जो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं सर शायर सी बात है कंपनी में कोई भी किसी को ऐसे कस्टमर आप एक काम करो सर अपने पुलिस थाने में आप जानते होंगे कि आप 100 केस आएंगे उन कस्टमरों को बंद करो किसी को नहीं करते हो कॉल पुलिस वालों को तो किसी को नहीं करते हो कॉल इनको क्यों करते हो करो ना शॉपिंग करो हम तुम्हें भी फोन करेंगे हम करते हैं शॉपिंग मैं करता हूँ शॉपिंग मेरे पास तो आज तक किसी फ्रॉड कंपनी का कॉल ही नहीं आया आपकी कंपनी फ्रॉड है आपने फ्रॉड क्या दिया ये बताओ ना कैसे कह दिया फ्रॉड आप आइंदा से कॉल नहीं करोगे इन नंबर पे DND में डाले अपना नंबर डिस्टर्ब नहीं होना आप आइंदा से इन नंबरों पे कॉल नहीं करोगे अगर कॉल आता है आज के बाद अगर कॉल आया तो FIR हो जाएगी DND में आप अपना नंबर डालिए अगर डिस्टर्ब नहीं होना तो नहीं डालेगा DND में आप कौन होते हो DND में डालने का करने वाले और दस जगह नंबर जाएगा वहां से जाएगा ठीक है और पहली बात तो ये पढ़े लिखे हो ना अगर आप पोजीशन पे लगे हो तो आपको पता होना चाहिए DND क्या होता है मैं कह रहा हूँ आप कौन होते हो ये कहने वाले सुनो अरे सुनो गेट पे खड़ा कांस्टेबल होता है उसे भी पता होता है DND होता क्या है अरे मेरे को पता है DND क्या होता है मेरे को पता है बताओ आप नहीं होता सर मुझे पता है डू नॉट डिस्टर्ब होता है ऐसे कोई कॉल फ्रॉड कॉल है जो उसको डिस्टर्ब नहीं करे